अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ लाज होते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स के ई की ये ई होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स को हम डिनोट करते हैं ई से, ठीक है बच्चे। जो आपको पास होता है ना एक्सपोनेंट्स, ठीक है, एक्सपोनेंट, उसको आप ओनली ई से डिनोट अप करते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास है एक्सपोनेंट की पावर एक्स, कोई भी हो सकती है यहाँ पर इसकी पावर। तो इसके जो लाज हैं वो फोर लाज हैं, इन फोर लाज के बारे में सबको जानना ज़रूरी है। उसके बाद हम इन लाज को देखते हुए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स में इसकी तरह तरह की एग्जाम्पल्स देखेंगे, इक्वेशंस वाली एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। यानी कि हम थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की जो एक्सरसाइज 7.3 है उसमें 1 to 10 तक क्वेश्चंस कम उसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो यानी कि जिसको नहीं पता एक्सपोनेंट्स के रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, जो कि अगर फिजिक्स के स्टूडेंट है या फिर मैथ से रिलेटेड जो भी फील्ड्स होती हैं उसमें अगर एक्सपोनेंट्स और नेचुरल लॉगरिथम आ जाता है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये एक्चुअली क्या होता है, ठीक है जी। तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर देखें, आपके पास एक्सपोनेंट है, यानी कि एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स वन है और डॉट है इनटू, यानी कि एक्स की एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स टू है, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आपने क्या करना है, इस सूरत हाल में इनकी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाएगी, क्लियर है। तो यानी कि अगर इस तरह से हो क्वेश्चंस में तो आपने इसको, इनके पावर को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये हो गया आपके पास रूल नंबर वन, लाज नंबर वन। उसके बाद है जी आपके पास दूसरा ला, इसको आपने इस तरह से लिखना है तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्लियर है। और तीसरा है आपके पास तीसरा ला, इसमें देखें आपके पास है ई की पावर एक्स वन डिवाइड हो रहा है ई की पावर एक्स टू से। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इसको आप ये लिखेंगे ई की पावर एक्स वन माइनस एक्स टू, क्लियर है। ये आपके पास था तीसरा ला, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें, इसको आपने इस तरह से, यानी कि इसकी पावर एक ब्रैकेट के अंदर है दूसरी ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं एक्स वन और एक्स टू। और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि ई की पावर एक्स टू को अंदर कर लें और ई की पावर एक्स वन को बाहर ले आए। तो ये थे आपके पास जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो आपके पास एक्सपोनेंट्स के ये फोर लॉज थे। तो स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं इनवर्स इक्वेशंस फॉर एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स एंड एल एन एक्स, क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास जो है एक्सपोनेंशियल के साथ आया हुआ है नेचर लॉग, ठीक है, जिसको आप बोलते हो एल एन। और एल एन यानी कि नेचर लॉग, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप थॉमस कैलकुलस के पढ़ रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको थॉमस कैलकुलस की वीडियोस मिलती रहती है इस चैनल पर। तो अब यहाँ पर है आपके पास एल एन ई की पावर टू, तो इसका मतलब यह होता है कि आपके पास ये आपस में नेचर लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में क्या हो जाते रहते हैं, कैंसिल आउट हो जाते रहते हैं, बाकी आपके पास हो जाएगा टू, ये आपके पास हो जाएगा आंसर। इसी तरह से यहाँ पर है, अब यहाँ इसको आप ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास जो जवाब आएगा वो हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास नेचर लॉग ई के साथ कैंसिल आउट हो जाता रहता है, तो यहाँ पर अंडर रूट का मतलब होता है वन ओवर टू, तो ये आपके पास हो जाता है आंस। इसी तरह से ये इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी आ जाएगा साइन एक्स। इसी तरह से ये इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी आ जाएगा टू। और इसी तरह से ये इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसी तरह से अब यहाँ पर देखें ई की पावर, ये पावर जो है वो पहले आ जाती रहती है, तो इसका मतलब ये है कि ई की पावर एल एन टू था, ठीक है, टू की पावर थ्री थी, तो थ्री को हम पहले लेके आए थे पावर को, तो अब ये इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी आपके पास टू की पावर थ्री जो कि एट के बराबर है। अब यहाँ पर देखें, इसका मतलब ये है कि ई एल एन टू की पावर थ्री थी जो कि पावर पहले आई हुई थी, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी आपके पास टू की पावर थ्री जो कि आपके पास है एट के इक्वल। तो ये दोनों सेम हो गए। अच्छा, इसका जो है वो एक तरीका होता है। दूसरा तरीका इसको हल करने का ये है कि आपके पास जो है ई की पावर थ्री एल एन टू है, तो इसका जो दूसरा तरीका है वो सॉल्व करने का ये है कि ई की पावर एल एन टू, फिर आपने इसको यूं कर देना है, ठीक है, यानी कि थ्री इसकी क्या है पावर, आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। तो ये भी इसका तरीका है सॉल्व करने का, जो कि इसके साथ ये कैंसिल आउट, बाकी आपके पास टू की पावर थ्री, ये आपको आसानी से नज़र आ रही है कि इसकी पावर है ये, तो ये आपके पास हो जाएगा
एट। तो ये आपके पास जो है इसका दूसरा वे है सॉल्व करने का। क्लियर हो गया है? तो अब हम स्टूडेंट्स एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। इन्हीं रूल्स को, उन्हीं लास्ट को हम फॉलो करेंगे और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो हमारी जो ग्रिफ्ट है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के बारे में, मोस्टली एक्सपोनेंशियल के बारे में, वो क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। क्लियर है? लॉगरिथम के ऑलरेडी वीडियोज़ बनी हुई है, ठीक है। उनके क्वेश्चन, उनके मतलब भी जो है 7.2 एक्सरसाइज जो है वो अपलोड की गई है ऑलरेडी। तो अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर ए करते हैं। इसमें देखें, अब वो कहते हैं कि अलजेब्रिक कैलकुलेशंस, अलजेब्रिक कैलकुलेशंस विद एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, ठीक है। ये आपको बस लॉगरिथम है या एक्सपोनेंशियल है, इसकी आपने अलजेब्रिक कैलकुलेशन करनी है। सवाल नंबर वन है, इसकी ए बी सी जूस दी हुई है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ई एल एन 7.2 है, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, आपको 7.2 या आपको पास आंसर हो गया। इसी तरह से इसको देखें, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/e^ln, ठीक है, एक्स की 2। बट आपने क्या करना है, 1/ आपके पास 2 जो है इसकी पावर है, तो सबसे पहले तो ये इसके साथ ये हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी ये आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है आपके पास ये, इसमें देखें, यहाँ पर देखें एल एन एक्स माइनस एल एन वाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई एल एन, इसका मतलब ये है कि एक्स ओवर वाई, ठीक है, जो कि इसके साथ ये कैंसिल आउट, बाकी एक्स और वाई आपके पास आंसर है। इसी तरह से आपके पास सवाल नंबर है 2, इसकी ए जूज है, इसमें देखें ये आपके पास इसकी, ये इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी आपके पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आंसर है। इसी तरह से आपके पास जो है सवाल ये वाला, इसमें देखें इसको हमने e की पावर एल एन कैंसिल आउट होता है, ये माइनस में, इसीलिए हम इसको नीचे लेके आए, और ये रूल भी असूल भी है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 0.3, इसके साथ कैंसिल, 1/0.3, ये आपके पास आंसर है। इसी तरह से आपके पास ये वाला है, इसमें देखें, अब यहाँ पर ये, इसका मतलब ये हुआ कि ई एल एन, इसका मतलब है पाई एक्स ओवर 2, इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी पाई एक्स ओवर 2, ये आपके पास आंसर है। इसी तरह से ये है, अब इसमें देखें, ये आपके पास e की पावर अंडर रूट है, ये इसका मतलब 1/2 है, इसका मतलब है, तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ लिखें 2 एल एन e की पावर 1/2, तो इसको आप ये लिखें कि ये 2 है, पावर आ जाती है पहले, उसके बाद एल एन e, तो ये इसके साथ कैंसिल, और ये इसके साथ कैंसिल, बाकी 1, ये आपके पास जवाब है। उसके बाद आपके पास है यहाँ पर एल एन है, और इसको देखें, ये ई आ जाएगा पहले, फिर एल एन, फिर ई, ये इसके साथ हो जाएगा, बचे कैंसिल आउट, उसके बाद आपके पास एल एन ई बचता है, जो कि आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है जी, यहाँ पर देखें, ये आपके पास एल एन, अब इसको देखें, ये पावर है इसकी, ये इसको ले आए आप पहले, अच्छा और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और बाकी आपके पास जो है ये जवाब हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास इसका जवाब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पावर पहले आ गई, फिर एल एन ई, क्लियर है। और यूँ भी इसको आप कैंसिल आउट करा सकते हो, फिर आप माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका आंसर बोल सकते हो। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 4 की जूस नंबर ए के ऊपर, ठीक है, और बी सी इसको भी हम सॉल्व करते हैं, और साथ में हम सॉल्विंग इक्वेशंस विद लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल टर्म्स, यानी कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, अब ये आपके पास पावर है, पहले आ जाती है पावर, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे सेकेंड थीटा, पावर आ गई पहले, फिर उसके बाद आपके पास आएगा एल एन ई, ये इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी सीकेंट थीटा, जो आपके पास है आंसर, ओके। उसके बाद अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपके पास पावर जो है ई की पावर एक्स आ जाएगी पहले, उसके बाद आपके पास हो जाएगा एल एन ई, ये इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओके, कैमरे को क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पर देखें आप, ये आपके पास है 2 एल एन एक्स, यानी ये है आपके पास
टू ln x, इसका मतलब x की पावर 2 है, तो आप लिखेंगे ln, इसका मतलब ये है कि e ln x की पावर 2 है, ये इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी आपके पास बचता है ln x की पावर 2। अब आप जानते हो कि पावर पहले लेते हैं 2, फिर ln x, ये फिर आंसर है। चलें जी, तो अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारे पास ln y is equal to 2t+4 है। अब हमें एक्सपोनेंशियल चाहिए, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप मल्टीप्लाई कर दो एक्सपोनेंशियल के साथ, ठीक है। तो आप e की पावर ln y is equal to e की पावर 2t+4 कर दोगे, ये तो आपस में कैंसिल, और बाकी y is equal to e की पावर 2t+4, ये आपके पास जवाब हो जाएगा। उसके बाद इसको भी आपने ऐसे ही करना है, e की पावर ln y एक्सपोनेंशियल के साथ इसको मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस t+5, ये इसके साथ कैंसिल, बाकी y इज इक्वल टू e की पावर -t+5, ये फिर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पर इसको ज़रा हम ये देखें, यहाँ पर आपके पास इसको तो आप जानते हो, ये इसका मतलब है ln, इसका मतलब ये है कि इसकी y -1/2, ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिखा है, और यहाँ पर तो हम एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि प्लस का साइन है, इसको ख़त्म कर दें, तो आप ज़रा इसको ले आओ, यहाँ पर माइनस एल एन एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई करें, ई एल एन एक्स, फिर ई फिर एल एन, फिर वाई -1/2, फिर यहाँ पर क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स, क्लियर है, और उसके बाद यहाँ पर आप इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, अब इज इक्वल टू ये इसके साथ कैंसिल, बाकी y -1/2x इज इक्वल टू ई की पावर x, इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास जो है y -1 इज इक्वल टू ई की पावर x -2x, अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर x -2x, यहाँ पर आ जाएगा जमा का 1, तो यहाँ पर आपके पास y -1/2 की पावर x, ये पॉजिटिव था, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक है जी। तो आप इसको यूँ लिखते हो, y इज इक्वल टू 2x, फिर e की पावर x, फिर प्लस 1, ये आपके पास है बच्चे जवाब। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। अब इसको भी देखें, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे ln y +1 y -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, ओवर y +1, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, और इज इक्वल टू ln sin x। अब ज़रा एक्सपोनेंशियल के साथ इसको मल्टीप्लाई कराओ, तो इसको एक्सपोनेंशियल के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करा दो, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, बाकी बचता क्या है, ये इसके साथ कैंसिल, बाकी y -1 इज इक्वल टू साइन एक्स, अब y इज इक्वल टू साइन एक्स जमा का 1, ये जवाब। सवाल नंबर 7-8 आ जाते हैं, इसको e की पावर ln y -4t कर दो, e की पावर 5t, ये इसके साथ कैंसिल, बाकी जवाब में आपके पास है y -4t इज इक्वल टू e की पावर 5t, अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर 5t प्लस 4t, ये इसका जवाब है। अब इसको भी e के साथ जो है ना मल्टीप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल के साथ, इज इक्वल टू e की पावर t, ये इसके साथ कैंसिल, बाकी आपके पास है 1 -2y इज इक्वल टू e की पावर t, तो फिर ये आपके पास जो है ये आपके पास हो जाएगा, ये हम 1 को ज़रा यहाँ पर लेके आए, तो उसको ज़रा यूँ कर लेते हैं, यानी कि ये आपके पास है -2y इज इक्वल टू e की पावर t, और यहाँ 1 आ जाएगा -1, ठीक है,
अब ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू ई की पावर टी माइनस वन ओवर टू, यहाँ पर साथ में माइनस, ये फिर आपका आंसर है।